पीस होता, कब से हवा नहीं देते यार, आज दे दिया, अच्छे से चलेगा गाड़ी। बहुत दिन से सोच रहा था हवा दूंगा, लेकिन भाई साहब को आज टाइम मिला। आजकल इधर ट्रैफिक हो रहा था, ये जगह में कभी इतना ट्रैफिक नहीं हो रहा था, बहुत ट्रैफिक हो रहा था। मैं रोज़ देख रहा हूँ, कई दिन से पूरा जाम है। अब ये साइकिल पार होगा या नहीं पता नहीं, ये लोग कब से खड़े हैं। इधर से साइड में जाएंगे, फिर आगे रास्ता पार हो जाएंगे। ओ सॉरी, सबको जल्दी भेजिए। ये देखो कितना लाइन है, कोई अर्जेंट में होगा तो मर जाएगा, लेकिन निकलने पर नीचे उतर जाते हैं। फिर इधर से स्टार्ट हो गया। आज इतना ट्रैफिक क्यों है यार, बहुत ट्रैफिक है भाई। देखो उधर से आ गया, फिर इधर से चालू हो गया, साइड में ही जाना पड़ेगा मुझे। आप किधर से रास्ता नहीं यार, पूरा जाम है। वो साइड भी देख रहे हो ना, वो साइड भी देखो कितना है, पूरा जाम में, पूरा चना चंद्रा तक वो फार्म। हमारा साइड तो अभी निकल गया, अभी वो लोग का भी निकल गया ट्रैफिक, अभी जा रहे हैं। देखो कितना लंबा ट्रैफिक है। चलो भाई आ गया, अभी आगे ट्रैफिक नहीं है। चलो भाई पहुंच गया, ये लोग सब ड्यूटी जाने के लिए रेडी है, नाइट शिफ्ट। बहुत बहुत ट्रैफिक है भाई, ऐसे महीना दो महीना में एक बार ऐसा ट्रैफिक देखने को मिलता है, आज इतना ट्रैफिक है। जो ग्रीन ट्री मेट्रो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से लेकर पूरा चना सेंटर तक पूरा जाम है। चलो फिर अभी फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद ही मिलते हैं। चलो भाई मैं फ्रेश हो गया, अभी ये खाना खाएंगे, खाना रेडी है। मैं आने से पहले खाना रेडी हो जाता है हमेशा, दिन तो इधर सो गए। सबसे बढ़िया बात है कि खाना बन जाता है मैं आने से पहले, नहीं तो 12 घंटा काम करके खाना बनाना मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल। कोई एक भाई कमेंट किया था कि बेंगलोर आना चाहता है, मैं कुछ नंबर दे सकता हूँ, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप इंटरव्यू दे के आप जब पा सकते हैं आराम से 18-20 हज़ार। रिकमेंडेशन बोले तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं। चलो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर बात करेंगे। आज तो चावल है और ये मशरूम है, मशरूम का सब्ज़ी, दाल है लेकिन शायद सुबह का है, ऐसे भी दाल नहीं चाहिए, मैं इसके कारी के साथ ही खा सकता हूँ, दाल नहीं होगा तो भी चलेगा, बस चावल के साथ कुछ सब्जी होगा मेरा चलता है। चलो भाई खाना हो गया मेरा, चना भिगा है, चना और ये खजूर है, जो ड्राई खजूर है ना, ड्राई खजूर और चना, ये सुबह सुबह जाने का टाइम नहीं, थोड़ा खा लेता हूँ पहले सुबह उठने के टाइम, जैसे उठता ना बहुत भूख लगता है, तो यही थोड़ा खा लेता हूँ पहले, फिर जाके उधर ब्रेकफास्ट करता हूँ कंपनी में। अजी और मोटू चले गए नाइट शिफ्ट, बिका सर सेकंड शिफ्ट गए हैं, और काका वो दोनों आएंगे, वो दोनों खाएंगे। हम भी अभी सोने की तैयारी में हैं, वही रूम में हम सोएंगे, भीम और विकास आने के बाद इधर सोएंगे। बारिश है, बारिश की वजह से ये पतरा है ना, ये पतरा वाला है ये रूम, तो इस तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, वो जो है ना उस तरफ से और उस तरफ से, देखो हम ऐसे लगाया तो इसको ब्लॉक किया है, उधर से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, जब उधर से हवा मारता है तो उधर से पानी आता है, तो इधर जो सोता है उसको तकलीफ होता है। मैं तो उस वाला रूम में, खिड़की है ना, वो खिड़की का वो कांच टूटा हुआ है, मैं अपना जो बेडशीट लगा के रखा, देखो कैसे सारे चीज़ ये सब डाल के रखे हैं। हमेशा बोलता हूँ अच्छे से रखो, इधर ऐसे सब पड़ा रहता है। सुबह के टाइम तो ये मिलता ही नहीं है कोलगेट, सुबह जब भी उठता हूँ वो कोलगेट किचन में मिलता है, मतलब यहाँ से ढूंढता हूँ वहाँ मिलता है। बारिश हो रहा है, काका अभी तक नहीं आया, बारिश स्टार्ट हो गया है, विकास आ गया अभी, पूरा ये तो पूरा भीग गया है आने का टाइम, 10:30 बज चुका है। ये अभी आके खाना खाया, काका आने को भी बाकी है, पता नहीं कितने बजे आएगा।
और मतलब पेट पोछने के लिए जितना भी था ना वो भी गीला हो गया, बाहर सुखाया गया है, अभी किसका कपड़ा है सब नीचे भी डाल रहा है।